तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आप सभी लोगों का स्वागत है माइनक्राफ्ट डुओ सीरीज के एपिसोड नंबर 3 के अंदर। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि फर्स्ट वाले एपिसोड में हमने भाई जो पीछे तगड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वो बनाया था, और भाई सेकंड वाले एपिसोड में हमने बनाया था भाई बड़ा तगड़ा सा एक फार्म जिसके आधे पार्ट में हमने यहाँ पे वीट उगाया था और बाकी के आधे पार्ट में हमने यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स ला के रखे हुए थे। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, यहाँ पर जाओ और वो वीडियो देखो। अरे मतलब पहले भाई मेरी ये वाली वीडियो देखो और बाद में वो जाके देखना। तुम भी यार गलत गलत सोचते हो, तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन डाल लो। क्या डाल भी लिए, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो यार मैं गाली वाली नहीं बोलने वाला, बस इसीलिए बोला था कि मेरी आवाज तुम लोगों को सही से आए। वैसे आजकल तुम लोगों की सोच भी बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी है। तो स्प्लैश भाई, अब अपने पास यार एक फार्म है, एक बढ़िया सा घर भी है, तो भाई क्यों ना अब एक भाई डायमंड की माइनिंग करी जाए। तो हाँ भाई विलेक भाई, तू सही बोल रहा है, हमें यहाँ पे डायमंड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हमारे पास अभी आयरन की सारी चीजें है, आर्मर भी आयरन का है और भाई टूल्स भी आयरन के, तो हमें डायमंड में अपग्रेड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हाँ यार आज चलते हैं माइनिंग पे, और भाई जितने डायमंड मिलेंगे उतने इकट्ठा करके ले आएंगे, और भाई सबसे पहले तो हम टूल्स में अपग्रेड करेंगे, और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत डायमंड बचता है तो उसको आर्मर में खर्च करेंगे। तो चल यार आज माइनिंग पे चलते हैं। हाँ आज माइनिंग पे चलते हैं, तो आप फटाफट से ना जो थोड़े बहुत टूल्स वगैरह बना लो, मैं टॉर्चेस वगैरह बना लेता हूँ। चल ओके ओके, तो भाई मैं सबसे पहले पिकेक्स और दूसरे सारे के सारे टूल्स बना लेता हूँ। भाई तुझे कुछ चाहिए क्या? एक मेरे लिए स्वॉर्ड बना लेने, क्योंकि स्वॉर्ड मेरे पास अभी नहीं है। कोई तरीका है भीख मांगने का? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो ओके ओके चल, मैं यहाँ पे तो स्वॉर्ड बना लेता हूँ और भाई देख लेता हूँ। लास्ट टाइम अपने माइनिंग पे गए थे कि तो कितने आयरन पड़े हुए थे मुझे पता नहीं, चल देखते कितने आयरन यहाँ पे पड़े हुए। तो यहाँ पे 19 आयरन पड़े हुए, मेरे हिसाब से अपना काम तो अभी चल ही जाएगा। तो आयरन ले लेते हैं, और भाई सबसे पहले तो पिकेक्स बना लेते हैं, और भाई तेरे स्वॉर्ड भी बनानी है तो वो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टिक्स भी बना लिए, तो भाई अब ये बता कि भाई कितनी पिकेक्स बनानी है? दो दो बना लो, दो दो। चल ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्वॉर्ड बनानी है, तो सबसे पहले स्वॉर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्वॉर्ड बन गई, अब यहाँ पे पिकेक्स बना लेता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पे 4 पिकेक्स बनाई है, मेरे हिसाब से सही रहेगी। अगर एक्स्ट्रा में जरूरत पड़ी तो भाई वहाँ पे बना लेंगे, क्राफ्टिंग टेबल भी ले लेंगे साथ में। ओके ओके स्प्लैश भाई, आपकी बन गई क्या चीजें? यस, मेरी सारी की सारी चीजें यहाँ पे बन चुकी है। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे तू ये तेरी ये स्वॉर्ड ले ले एक, और ये दो पिकेक्स भी ले ले, मैंने तेरे लिए बनाई थी, ले सारी की सारी चीजें ले ले। लो आप टॉर्चेस ले लो, मैंने टॉर्चेस बनाई है यहाँ पे खूब सारी। ओके भाई दे दे यार, थैंक यू। और उसके अलावा भाई मैं क्या कह रहा था, भाई तूने खाना वाना लिया है कि नहीं लिया? मैंने तो यहाँ पे बहुत सारा खाना ले लिया मेरा। हाँ फूड मेरे पास है, ब्रेड है, और अगर कम पड़ा तो अभी थोड़ा सा ले लो बाहर से लाके। नहीं नहीं यार, मेरे पास अभी बहुत अच्छी खासी अमाउंट में यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके अलावा भाई मेरा तो यहाँ पे सारा का सारा सामान रेडी हो चुका है, भाई तेरा भी रेडी हो चुका है, तो चल भाई चलते यहाँ से। ओके ओके चलो रेडी है सब। अच्छा भाई विलेक चल भाई जल्दी से बाहर आ जाओ, और भाई दरवाजा बंद करके आइए, वरना भाई यहाँ पे चोर वोर ना आ जाए। अबे साले। ओके दोस्तों लेट्स गो, हम लोग चलते हैं डायमंड माइनिंग के हमारे सफर पे। पता नहीं हमें डायमंड वायमंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी हम ट्राई करेंगे कि हमें डायमंड मिल जाए, वैसे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो लेट्स बिगिन द जर्नी। भाई अभी तक माइन मिली नहीं यार, इतना टाइम हो गया मैं चलते चलते। भाई ना यार मैं यहाँ पे बोर हो चुका हूँ, पक चुका हूँ भाई, यहाँ पे माइन तो मिलने का नाम ही नहीं रह रहे, इतना सारा घूम चुके लेकिन अभी तक कोई भी माइन मिले नहीं। अरे विलेक भाई यहाँ पे देख भाई, ये क्या है भाई साहब, ये क्या है भाई, तू इधर आ जल्दी। ओ भाई साहब यहाँ पे देख तो सही भाई, ये कितनी गहरी है भाई, नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा, और भाई यहाँ से गिरे ना तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं मिलना। भाई इधर आ जा, इधर आ देख, इधर आ, इधर आके देख तू भाई, देख तो सही भाई कितना गहरा है भाई, इधर गिरने पे कुछ मिलेगा भी नहीं, और भाई सामान वामान तो भूल ही जा, और भाई यहाँ पे तो खड़ा वड़ा मत हो जाइए भाई, गिर जाएगा यहाँ पे भाई, तेरी आत्मा भी नहीं मिलेगी भाई यहाँ पे, शरीर यहाँ भाई कुछ भी नहीं मिलने वाला इधर। मेरे पास एक ऐसे आइडिया है, आओ मेरे पीछे आओ। अरे भाई आराम से यार, गिर भी मत जाइयो भाई, अगर इधर गिर गए ना तो भाई वही होने वाला है, खत्म टाटा बाय बाय गुड बाय गया। यहाँ पे माइन है, यहाँ पे माइन है, यहाँ पे चल। हाँ हाँ मुझे भी यहाँ पे माइन ही दिख रही है, चल मैं भी नीचे आता हूँ, दो मिनट रुक जाओ मेरे लिए, मैं भी आया, दो मिनट वेट कर। अरे भाई तू कूद भी गया यार पानी लेके। हाँ आ जाओ मैंने पानी गिर रखा। हाँ भाई चल मैं आ रहा हूँ नीचे, भाई ध्यान रखना भाई, अगर गिर गया ना भाई सीन हो जाएगा भाई, पानी वानी डाला है ना तूने नीचे, देखो ना नीचे देखो। ओके ओके हाँ चल, मुझे पानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चल मैं यहाँ पे कूद रहा हूँ, ठीक है 3 2 ओ भाई साहब बच गया भाई, बच गया। और देखो यहाँ पे हमें आयरन मिल गया। हाँ हाँ उठा ले भाई, सारा का सारा आयरन उठा ले, चल फटाफट तोड़ इसको। और ये भाई साहब माइन तो खूब ज्यादा बड़ी है। अरे ओ भाई साहब, भाई तू देख तो से भाई कितनी बड़ी माइन है भाई, चल 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 फटाफट नीचे चला जा भाई। मेरे हिसाब से तो भाई ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ज्यादा ही बड़ा है, तो भाई इधर टॉर्चेस वॉर्चेस अपने कम ना पड़ जाए। वैसे नहीं नहीं यहाँ पे कोल भी खूब सारा मिलेगा, और मैं लॉग लेके आया हूँ खूब सारे। हाँ हाँ वैसे मेरे पास भी यहाँ पे थोड़ा बहुत वुड पड़ा हुआ है, मैं जब निकला था तब मैंने थोड़ा बहुत वुड लेके रखा था। तो चलिए यार फटाफट ये कोल को निकालते, और भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते, आसपास एक्सप्लोर कर लेते, क्या है क्या नहीं देख लेते।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ खास लूट मिली नहीं है, बस हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल मिला है, उसके अलावा हमें यहाँ पे एक एमरल्ड का ब्लॉक मिला था जिससे हमने एमरल्ड ले लिया, उसके अलावा कोई भी खास लूट मिली नहीं है। और हमें यहाँ पे चाहिए डायमंड, तो मैंने और विलेक ने यहाँ पे ये तय किया है कि हम लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे, मतलब नीचे स्ट्रेट माइनिंग करते हुए और नीचे जाएंगे, क्योंकि ये लेवल पर डायमंड मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसी चीज है। तो हम यहाँ से नीचे जाने वाले और पूरा पूरा स्ट्रेट माइनिंग करेंगे, देखते हैं हमें नीचे डायमंड मिलता है या नहीं। तो स्प्लैश भाई, भाई यहाँ तो माइनशाफ्ट ही मिल गए भाई। ओ भाई साहब, भाई कितनी तगड़ी लग रही है, और भाई कोऑर्डिनेट्स तो देख भाई, हम कितने नीचे आ चुके हैं और भाई यहाँ पर माइनशाफ्ट मिली है। भाई फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि भाई इतने नीचे आने के बाद मुझे माइनशाफ्ट मिली हो, और भाई साहब देख तो सही, ये पूरी की पूरी यहाँ पे हवा में लटक रही है यार। हाँ वो 1.18 के चक्कर में इन्होंने ऐसी कर दी भाई माइनशाफ्ट। अरे भाई बहुत ही तगड़ी, और भाई ये 1.18 के अपडेट में तो भाई इन लोगों ने बहुत ही मस्त मस्त चीजें ला के रखी हुई है भाई, बहुत ही मजा आता है, मतलब एक्सप्लोर करने का कुछ अलग ही मजा आता है भाई इसके अंदर। तो गलती से लग गया यार, सॉरी सॉरी, हो भाई गलती से इधर उधर निकल जाता है। अबे साले, पर यहाँ पे भाई चेस्ट वगैरह मिलेंगी जिसमें बहुत ज्यादा ओपी लूट होने वाली है भाई। डायमंड भाई, डायमंड किधर है, किधर है, किधर है, किधर है भाई डायमंड। ओ भाई साहब, भाई भाई दो मिनट रुक जा। एक आप तोड़ो। ये बॉय, ये अपने सीरीज के फर्स्ट डायमंड मिल गए यार अपने को भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त लगे है। हाँ भाई सही बोला यार, अपने को यहाँ पे एक डायमंड भी मिल गया अपना फर्स्ट वाला, उसके अलावा भाई यहाँ पे एमरल्ड भी मिला है भाई। ओपी जगह है भाई, एक नंबर भाई, ओपी प्लेस है भाई, ओपी प्लेस। एंड हाँ यार, इसको सही से चेक करना, एक एक कोना चेक करना, छोड़ेंगे नहीं भाई इसको, छोड़ेंगे नहीं भाई इसको। हाँ इसको पूरा का पूरा चेक कर लेंगे, और हाँ यार यहाँ पे आसपास और डायमंड भी हो सकते हैं, तो भाई ध्यान रखना इधर आसपास आप चेक करो, मैं यहाँ पे चेक करूंगा। भाई डंजन मिल गया, जुगाड़ हो गया भाई, डंजन मिल गया भाई, डंजन मिल गया। चेस्ट लूटो दूसरी वाली। हाँ ओके, दो मिनट ओपन करता हूँ भाई। भाई इसके अंदर तो यार सिर्फ गोल्डन एप्पल ही है और कुछ खास चीज नहीं है, लेकिन चल गोल्डन एप्पल मिल गया, अच्छी बात है। मेरे को भी गोल्डन एप्पल मिला है। ओके यार भाई साहब, ये बहुत तगड़ी चीज हुई भाई, यहाँ पे एक अपना काम हो गया भाई। इसके कोऑर्डिनेट्स याद रख लेना, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स रख लेंगे। हाँ ओके भाई, बहुत मस्त काम हो गया भाई, अपना अपना एक्सपी का जुगाड़ हो गया भाई, इधर पूरा पूरा एक्सपी फार्म बनाएंगे अपन, ठीक है। चल अपना एंचेंटिंग भी इजी हो जाएगी इससे। यहाँ पे डायमंड दिखाई दे रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ डायमंड लेने। अरे तेरे को डायमंड दिख रहे हैं, अच्छा चल ठीक है, कोई नहीं, तू जा और तू लेकर आ, ठीक है, मैं यहाँ पे आगे और कंटिन्यू करता हूँ। बस मेरे को मरने से बचा लेना क्योंकि नीचे बहुत सारे मॉब हैं। अरे तू नीचे जा रहा है यार, तो दो मिनट वेट करना, मैं आ रहा हूँ, दो मिनट रुक जा, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, रुक जा, वेट। मैं आ चुका हूँ नीचे। ओके भाई मुझे दिख रहा है तू, दो मिनट बस, मैं आया, रुक जा, मैं ऊपर आता हूँ और भाई मैं उस तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, ओके दो मिनट वेट करना। और भाई मैं अब तेरा भाई है, इधर वाटर बकेट चैलेंज करने वाला भाई, वाटर बकेट करेगा। और भाई अगर मैं मर गया ना यार, तो भाई मेरी जो अस्थि हो ना संभाल के रखना, मैं वापस आके सारा का सारा सामान लूंगा तेरे से, ठीक है। चलो 3-2-1 चलो वाटर बकेट, ये भाई साहब, भाई साहब अरे विलेक बचा, जल्दी बचा यार, 1 HP पे हूँ मैं, जल्दी भाई इधर आ भाई, बचा भाई मुझे, देख तो सही मेरी HP क्या हो गई। भाई साहब मेरा वाटर बकेट फेल हो गया यार। भाई साहब वाटर बकेट फेल हो गया भाई, लिटरली भाई 1 HP पे भाई मैं बचा हूँ यार। चल भाई यहाँ पे रेडस्टोन भी मिल गया, चल भाई इसको तोड़ना स्टार्ट करते भाई, यहाँ पे अब लूटना पड़ेगा भाई मस्त। अरे विलेक भाई बहुत ही मजा आ गया भाई, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी पार्ट था, यहाँ पे जितना भी पार्ट दिख रहा है, जितना भी हो सका नीचे का, वो सारा का सारा मैंने एक्सप्लोर कर दिया, ऊपर का तो अभी बाकी है, लेकिन भाई नीचे का एक्सप्लोर करने पे भाई मुझे इतने डायमंड्स मिले ना भाई, इतने डायमंड्स मिले ना। कितने डायमंड्स मिल गए भाई आपको, सोची ना होगी। देख भाई विलेक, मुझे यहाँ पे टोटल 11 डायमंड्स मिले, उसके अलावा गोल्ड मिला है, आयरन मिला है, भाई साहब मजा ही आ गया भाई, बहुत ही मजा आ गया भाई इसको एक्सप्लोर करने में। एंड हाँ ये तो बता भाई, तुझे कितने डायमंड्स मिले यार? भाई मेरे को भी यहाँ पे 8 डायमंड मिल चुके हैं और खूब सारा आयरन और गोल्ड मिला है। भाई साहब क्या बात कर रहा है भाई, 8 डायमंड्स भाई, ये बहुत ओपी प्लेस है भाई, इधर कितने सारे डायमंड्स हमें यहाँ पे मिल गए। और भाई ऊपर की ये जगह देख, यहाँ पे तो अंधेरा ही अंधेरा है, इधर जो डायमंड्स होंगे वो तो हमें दिखे ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे हम टॉर्च लगा नहीं सकते। तो भाई नेक्स्ट टाइम अपने क्या करेंगे पता है, अपने नेक्स्ट टाइम नाइट पोशन लेकर आएंगे और भाई पोशन पिएंगे और वो पिएंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी डायमंड्स होंगे ना सारे के सारे अपने को यहाँ पे दिखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम भाई इसको इधर आएंगे जरूर, ठीक है। हाँ, इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे और यहीं पे वापस आएंगे। चल ठीक है, चल अपने यहाँ से ऊपर चलते, अब अपने माइनशाफ्ट में भी देख लेते हैं, वहाँ पे मैंने एक जगह देखी थी, वहाँ पे भी अगर कुछ मिल जाए तो देख लेते। चल अच्छा, हाँ चलो मैं तो जा ही रहा हूँ। ओके चलते। तो दोस्तों भाई ये माइनशाफ्ट तो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी है और भाई यहाँ पे एक से एक हमें यहाँ पे लूट मिली और भाई इतने सारे हमें डायमंड्स भी यहाँ पे मिल चुके हैं, उसके अलावा बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी हमें यहाँ पे लूट्स भी मिली है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका पार्ट बाकी,
बाकी है भाई, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं और फिर भाई घर चलेंगे, क्योंकि भाई पूरी माइनक्राफ्ट एक्सप्लोर करना तो बहुत मुश्किल है। और भाई साहब देखो इधर यहाँ पे हमें चेस्ट मिल चुकी है भाई, इसके अंदर क्या होगा? चलो भाई ओपन करके भाई इसको देखते भाई, अगर इसके अंदर क्या होगा, अगर अच्छी चीज निकले तो भाई अच्छा, वरना भाई ओ भाई साहब भाई यहाँ पे डायमंड का आर्मर है, मतलब हमारा डायमंड का आर्मर नहीं भाई, घोड़े का डायमंड का आर्मर है। और भाई नेम टैग्स भी है, वो भी दो दो, उसके अलावा भाई सैडल भी है। तो भाई सैडल ये रेयर चीज होती है, हम इसको बना नहीं सकते, तो चलो अच्छा भाई हमें मिल गया, तो अब हम यहाँ पे घोड़े भी टेम कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे बड़ा काम हो गया। चलो भाई वीलेक को भी दिखाता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे इतनी तगड़ी तगड़ी यहाँ पे चीजें मिली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे वीलेक के माइक के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आ चुकी है, और उसकी वजह से वो बता नहीं सकता कि उसको कौन कौन सी चीजें मिली हुई थी। अगर आप लोगों को देखनी हो तो आप उसके चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर वीलेक को कौन कौन सी चीजें मिली थी। तो उसको यहाँ पे एक हॉर्स आर्मर मिला हुआ था, वो भी गोल्डन का, और उसके अलावा उसको यहाँ पे नेम टैग वेम टैग मिले थे, उसके अलावा लेपिस लजूली मिला हुआ था, और सबसे मेन चीज उसको यहाँ पे फॉर्च्यून 3 की बुक मिली हुई है। मतलब कि भाई साहब बहुत ही अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम हम जब डायमंड माइनिंग के लिए जाएंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। जब तक हमें दूसरी बुक नहीं मिलती वहां तक यही काम में आने वाली है, तो इसको बहुत संभाल के हम यूज करने वाले हैं। तो भाई इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे मिली हुई है, और अभी भाई ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है, अभी भी ये और एक्सप्लोर हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है, तो अभी हम इतना इसको एक्सप्लोर करते हैं। अगर इन फ्यूचर हमें लगेगा तो हम इधर फिर से आएंगे और इसको और एक्सप्लोर करेंगे। तो बस यही थी आज की वीडियो, आप लोग बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और उसके अलावा भाई इसके और तगड़े तगड़े एपिसोड आने वाले, मैं और विलेक साथ में बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीजें करने वाले। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। उसके अलावा इस सीरीज की जो वीडियो है वो हर संडे को आने वाली है, तो उसके लिए भी भाई रेडी रहना। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, आज का लाइक एम होने वाला है 130 लाइक्स का, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो। और उसके अलावा भाई इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लेना, उसके अलावा डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, तो जाओ यार जल्दी से डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लो।